अज की मेरी वीडियो औरतां ते बच्चे ना वेखियो, क्योंकि इहदे विच कोई गल एक ऐसी है कि जिहड़ी औरतां ते बच्चे ना ही वेखण ते बेहतर है। हालांकि यह भी मैनूं पता है कि जिधरों डकिया जावे ना, लोग उधर धक्के नाल जांदे ने कि सानूं इधरों डकिया ते डकिया क्यों गया। इह ना लोगों की फितरत दे विच, इंसान की फितरत दे विच चीज़ शामिल है कि उहनूं जिधरों डकीए ना उधर धक्के नाल जांदा। हालांकि अज की जिहड़ी है वीडियो है इहदे विच ज़्यादा गल औरतां दे हक दे विच होण लगी है, लेकिन फिर रिक्वेस्ट करना कि औरतां ते बच्चे अज की वीडियो ना वेखियो। गल शुरू करने आ, जिहड़े लोग शादीशुदा 10-10 8-8 5-5 साल तो मुसलसल बाहर रह रहे हैं, उन्हां दी बीवी उन्हां दे बच्चे उन्हां दीयां बच्चियां पाकिस्तान ने, वो आप ही बाहर बैठे ने, चाहे कारोबार की मजबूरी तो, बिजनेस की मजबूरी तो, पेपरों की मजबूरी तो, या वैसे उन्हां दा दिल नहीं करता पाकिस्तान आउण नूं। कोई भी विच जो भी गल है, याद रखियो जे 100 चों 90 बंदियां दे घर खराब हो जांदे। जिहड़े बंदे शादीशुदा आप ही बाहर बैठे रहन, फैमलियां उन्हां दीयां पाकिस्तान होण, 100 दे विचों 90 बंदियां दे घर खराब हो चुके ने। जे अगर तुसी मुसलसल बाहर रह रहे हो, तुहाडियां बेटियां जवान पाकिस्तान ने, बेटे जवान पाकिस्तान ने, तुहाडियां बीवियां पाकिस्तान ने, तुसी इन्हां इन्हां सालां तों पाकिस्तान आए ही नहीं, तो फिर जरा मेरी गल नूं घुट के बना के बड़े गौर दे नाल सोचियो कि क्या तुहाडे घर इन्होनी वरत ते नहीं गई, इंज हो ते नहीं गया। इत्थे मैं भी गल ऐड करना चाहना कि जिन्ना नसना हुंदा, जिन्ना दौड़ना ही हुंदा, जिन्ना ने गंद पाना ही हुंदा, उन्हां दे आले दुआले बेशक तुसी कंडे दीयां तारां भी ला छड़ो ना, उन्हां कंडियां दीयां तारां कट कटा के दौड़ जाणा है उन्हां ने। ते जिन्हां ने नहीं ना नसना, जिन्हां दे विच हया गैरत शर्म, जिन्हां ने इस्लाम दा दीन दा मुतालिया कीता, जिन्हां नूं पता है इस चीज़ दा कि प्यो की इज्जत की है, भरा की इज्जत की है, पुत्र की इज्जत की है, खावन की इज्जत की है, उन्होंने बेशक तुसी इजाजत दे भी छड़ो ना कि जा, लेकिन वो फिर भी शर्मा वालियाँ कितने नहीं जांदियां। यह गल मेरी राज दे विच ही समझो कि मैं कहना की चाहना। आप ही तुसी बाहर बैठे हो, पैसे कमाते हो पे, यूरो कमाते हो पे, डालर कमाते हो पे, रियाल कमाते हो पे, दिरम दिनार कमाते हो पे, पाउंड कमाते हो पे, आप ही तुसी और पैसे पे कमाते हो कि मैं पिछलियां नूं कल्ला लख लानत इंज की कमाई के उत्ते कि पिछों तुहाडी इज्जत ही ना रहे, तुहाडा लंघ इत्थे उदड़िया होवे, तुहाडा इत्थे कोई शर्म हया कोई लंघ कोई इज्जत रही ना, तो की करना है असी कमाई। बाहर रहने वाले बंदे जिहड़े 10-10 8-8 5-5 साल तो पाकिस्तान आए ही नहीं, अपनियां फैमलियां दे विच आए ही नहीं, अपनियां बच्चियां नूं अपनियां बीवियां नूं अपने बच्चियां नूं मिले ही नहीं, मेरी रिक्वेस्ट दे उत्ते, मेरी दरखास्त दे उत्ते एक बारी गौर करो कि तुहाडे घरां दे हालात की ने। जिहड़े बाहर रह के कमाइयां करदे रहिंदे ने, औलाद नूं सैट करदिआं करदिआं उहनां दी औलाद पिछे इंज इंज दे गंद मारे हुंदे ने कि बंदे दी उत्थे तबीयत तों सैट कर छड्दे ने। बंदा आंदा कि ओह जिन्हां वास्ते मैं करदा रहा वह मेरे वास्ते की पे कर दें, जिहड़ी बीवी वास्ते मैं इत्थे कमाई पिया करना, यूरो पिया कमाना, डालर पिया कमाना, पैसा पिया कमाना, उस बीवी मेरे नाल वेखो की कीता, एडी बेवफाई। ओ भाई बेवफाई तेरी बीवी बच्चियां ने कीती, तू उहनां नाल कीती, जदों तू अपनी बीवी नूं हक दिता ही नहीं, बच्चियां नूं उहनां दा प्यार दिता ही नहीं, बच्चियां अपनियां नूं प्यार दिता ही नहीं, उन्हें वास्ते तो तू एक मशीन, सिर्फ डालर यूरो पाउंड रियाल दिरम दिनार कमाण वाली, उन्होंने की लगे इस चीज़ के नाल। हर औरत की एक ख्वाहिश होंगी, बच्चों की भी ख्वाहिश होंगी कि साढ़े फादर साहब साढ़े बाबा जान अबू जी साढ़े सिर के उत्ते हाथ रखन, साढ़े नाल बहन खलोन, असी कुछ अपने एहसासात जेड़े ने असी अपने बाप के नाल शेयर करिए। सो इस तरह औरत चाहती है कि मेरा खावंद मैनू टाइम दे। बाहर रहने वाले बंदे जो अपनी बीवी नूं टाइम नहीं देंगे, प्रॉपर उन्हूं वक्त नहीं देंगे, जो दी जरूरत है वो पूरी नहीं करेंगे, तो फिर औरतां जरूरत अपनी कितों पूरियां करेंगी। मैं बड़ियां तलख हकीकत बयान करना पा, बड़ियां कौड़ियां गल्लां करना पा, मैं इस गल नूं बड़ा खोल खोल के की बयान करना, सियाने बंदे इशारा ही समझ गए हो, अकलमंद वास्ते इशारा ही काफ़ी हुंदा। यह गल करन दी बड़ी सारी रिक्वेस्ट लोगों कीती सी कि लोग झकदे ने कि यार असी यह गल किवें करिए, शर्म आउंदी है, मैं नशरा चका दी शर्म है। और जिन्हां लोगों मैं समझाना चाहना, जिन्हां लोगों मैं यह गल जिन्हां तक पहुँचाना चाहना,
काश के वह गल मेरी सुनन तो ये तो कुछ अमल करन। अल्फाज के पर्दों में मैं जिनसे मुखातिब हूँ वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए।